close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on करें।
सोनिया
हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे, हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे। तीजी बार मैनू आप लेने आ गया, माया दे नाल मैनू जाया वे जाए, कुंड चुकया वे जाए, मुंह बोलया वे जाए, कुंड खोलया वे जाए। हाँ माहिया वे माहिया वे माहिया ढोल सिपाहिया, मैं दे नाल तुर जाना, नहीं जाना नहीं जाना मेरी माँ, मैं दे नाल नहीं जाना। दिन शग चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुणधानी ले गई। हाय बन्नो रे बन्नो मेरी, चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुणधानी ले गई।
हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कैसे काइन मास्टर ऐप की मदद से हम अपने नॉर्मल वीडियो को एक सिनेमैटिक लुक दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम काइन मास्टर के थ्रू अपने वीडियो को कैसे एडिट करेंगे, वीडियो में कैसे मूवमेंट लाएंगे, कैसे की फ्रेम लगाएंगे, इस चीज़ को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम काइन मास्टर ऐप ओपन करेंगे। ये हमारी काइन मास्टर ऐप ओपन हो गई। अब हमें क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पर क्लिक करते ही ये हमारे लिए न्यू प्रोजेक्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें हमें 16:9 एस्पेक्ट रेशियो चूज़ करना है, क्योंकि मोस्टली यूट्यूब पर 16:9 या मोबाइल पर जो हम वीडियो शेयर करते हैं 16:9 ही शेयर करते हैं। 16:9 सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसको बंद करेंगे। अब देखिए ये हमारा काइन मास्टर ऐप ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमें इसमें एक ब्लैंक लेयर बनानी है, ताकि हम इस कोई भी वीडियो जो लाएं उस पर हम की फ्रेम्स लगा सकें। अगर हम डायरेक्ट वीडियो इंपोर्ट कर लेंगे तो हम उस पर की फ्रेम्स नहीं लगा पाएंगे और हमारी वीडियो पर कोई भी मूवमेंट वगैरह हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जैसा हमने शूट किया है वीडियो वैसा ही हमें दिखेगा। सबसे पहले की फ्रेम लगाने के लिए हम एक ब्लैंक लेयर बनाते हैं। मीडिया पर क्लिक करेंगे और ये देखिए लेफ्ट साइड में इमेज असिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें से कोई भी कलर की एक इमेज हम इंपोर्ट कर लेंगे। मैंने ये ब्लैक कलर की इमेज इंपोर्ट कर ली और इस डायलॉग बॉक्स को मैंने बंद कर दिया। अब देखिए ये हमारे पास एक लेयर बन चुकी है, ये ब्लैक कलर का एक इमेज बन चुकी है। इस पर हम की फ्रेम्स लगाएंगे। ये देखिए मैंने 7 सेकेंड की एक इमेज यहाँ पर बना ली है। अब मैं कोई भी वीडियो अपना इम्पोर्ट करूँगा। ये मैंने मीडिया पर क्लिक किया। अब देखिए मैंने ये अपना एक वीडियो ओपन किया जो मैंने मोबाइल से बनाया है। ये मेरा लेयर पर आ गया। इस डायलॉग बॉक्स को मैं बंद करता हूँ। अब देखिए ये मेरा जो है ना वीडियो सेम उसी लेयर पर आया है जिस पर कि मैंने वो ब्लैंक लेयर बनाई थी। तो मुझे इस वीडियो को इस ब्लैंक लेयर के नीचे लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं इस वीडियो पर क्लिक करूँगा। अब लेफ्ट साइड में जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा और डुप्लीकेट एज लेयर इस पर क्लिक करूँगा। तो ये देखिए मेरी ये डुप्लीकेट लेयर बन गई है और ये मेरी सेकंड लेयर पर आकर एडजस्ट हो गई है। अब मैं इसको बंद कर दूँगा, पहले वीडियो को इसको डिलीट कर दूँगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये डिलीट कर दिया। अब ये देखिए, तो अब ये जो मेरी वीडियो है ये अभी मेरी फ्रेम के अंदर सही फिट नहीं हुई है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं इसको अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग सेट कर दूँगा। और अब जितनी वीडियो मुझे चाहिए है उतनी मैं सिलेक्शन करूँगा। ये जो ब्लैक लेयर है, ये जो ब्लैंक लेयर है, ये मुझे सेट करनी है जितनी वीडियो मुझे चाहिए है। मान लीजिए मुझे ये 8 सेकेंड की वीडियो चाहिए, तो मैंने ये 8 सेकेंड पर सेट किया, नीचे वाली वीडियो को सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से राइट साइड से जो कैंची बनी हुई है इसे ट्रिम कर दिया। ठीक है, ट्रिम करने के बाद मैंने ये राइट चेक कर दिया। अब ये मेरी 8 सेकेंड की वीडियो बन चुकी है। अब इस वीडियो पर ये देखिए, इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ये वीडियो शूट हुआ है लेकिन कैमरा मूव नहीं हुआ है। कैमरा एक ही जगह है, स्टिल किसी भी ट्राईपॉड पर या हैंड पर रखा हुआ है और कैमरे में देखिए कोई मूवमेंट नहीं है। अगर हम की फ्रेम की मदद से इस कैमरे में कुछ मूवमेंट लाएं तो हमारा ये एक सिनेमैटिक लुक आ जाएगा और ये वीडियो जो अभी बेजान सा समझ में आ रहा है इसमें जान आ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वीडियो को हमने सेलेक्ट किया। अब ये देखिए लेफ्ट साइड में ये जो 4th नंबर पर एक चाबी का निशान है, एक चाबी का आइकन है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये मेरा पहला की फ्रेम
मेरा पहला की फ्रेम यहाँ पर लग गया। अब मैं इसके वीडियो के लास्ट पॉइंट पर जाऊंगा और मैं इस वीडियो को जूम इन कर दूंगा। ठीक है, और ये जूम इन करने के बाद अब मैंने ये चेक का निशान पर क्लिक किया। अब इस वीडियो को हम प्ले करके देखते हैं। ये देखिए, अब इस वीडियो में एक सिनेमैटिक मूवमेंट आ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने किसी गिम्बल या स्लाइडर की मदद से इस फूल की तरफ कैमरे को लेके गए। ये देखिए, इसी में हम एक नेक्स्ट की फ्रेम और लगाएंगे, एक वीडियो और हम इंपोर्ट करते हैं और उसमें हम दूसरे टाइप से की फ्रेम लगाएंगे। इसके लिए फिर वही प्रोसेस, मीडिया, वीडियो, और हम कोई भी एक वीडियो चूज़ कर लेंगे। मैंने ये वाली वीडियो चूज़ कर ली। अब ये फिर इसको मुझे नीचे वाले लेयर पे लाना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, थ्री डॉट्स पर क्लिक किया, डुप्लीकेट एज लेयर, ये मेरी दूसरे लेयर पर वीडियो आ गई। अब मुझे फर्स्ट लेयर वाली वीडियो को डिलीट कर देना है। ये मैंने फर्स्ट लेयर वाली वीडियो को डिलीट कर दिया। अब जो फर्स्ट मेरी लेयर है जिस पर मैं की फ्रेम लगाऊंगा, इसकी ब्लैंक लेयर को मैं अपने मुताबिक बड़ा कर लूँगा। अब देखिए, मुझे ये वाली वीडियो है, सबसे पहले हम इसको फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। अब मुझे यहीं तक ये वीडियो चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ट्रिम किया और डिलीट कर दिया। अब इसके बाद हम वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर गए। मैंने यहाँ से इस वीडियो में मुझे की फ्रेम्स लगाने हैं, तो यही मैंने लेफ्ट साइड से जो चाबी का निशान है, चाबी का आइकन है, इस पर क्लिक किया, मेरा पहला की फ्रेम लग गया। अब मुझे इस पर एक स्लाइडर टाइप का मूवमेंट चाहिए, तो मैंने इसको जूम इन किया और जूम इन किया, इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है वो मेरी ये रहेगी एंड लास्ट वीडियो के लास्ट पॉइंट पर गया और लास्ट पोजीशन मेरी मैंने ये सेट कर दी और चेक कर दिया। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। ये देखिए, इस वीडियो में की फ्रेम की मदद से हमने एक स्लाइडर टाइप का इफ़ेक्ट क्रिएट कर लिया। ये देखिए, अब आप खुद ही सोचिए कि मेरी ये पहले वाली वीडियो अच्छी थी या अब इस पर जो मूवमेंट आ गया है ये वीडियो अच्छी है। मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा वही वीडियो है जिस पर मैंने की फ्रेम लगाए हैं, एक स्लाइडर मूवमेंट क्रिएट किया है, और ये मेरा ओरिजिनल वीडियो है जिस पर कोई मूवमेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में एक सिनेमैटिक लुक आ गया है। ओके, अब नेक्स्ट हम एक और की फ्रेम एडजस्ट करते हैं। जैसे हम किसी गिम्बल की मदद से वर्टेक्स शॉट लेते हैं, रोटेट करता हुआ गिम्बल आगे की तरफ जाता है, वही सीन हम इसमें की फ्रेम की मदद से क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक ये वीडियो ले लिया। अब इसकी मैंने फिर डुप्लीकेट लेयर बनाई, पहले वाले वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया। अब इस वीडियो जिस लेयर पर हमें की फ्रेम लगाने हैं उसको मैंने वीडियो के ऊपर एडजस्ट कर लिया। अब ये वीडियो मुझे इतना ही चाहिए, तो इसको मैंने ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये हमारा जो वीडियो है, सबसे पहले हमें फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। ये मैंने
फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। अब हम इस पर ये देखिए, अब इसमें कोई की फ्रेम नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये वीडियो एकदम बेजान एक स्टिल टाइप का लग रहा है। ठीक है, अब हम इसमें लगाते हैं की फ्रेम और इसमें कुछ मूवमेंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वीडियो को सिलेक्ट किया, लेफ़्ट साइड से ये चाबी वाले आइकन पर क्लिक किया, ये मेरा पहला की फ्रेम लग गया। अब मैंने इसको इस वीडियो को क्या किया, जूम किया और थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अब इसके बाद मैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं उस वीडियो के जो ओरिजिनल एस्पेक्ट था उस पर सेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको चेक कर दिया। अब देखिए, अब इसको प्ले करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में मोशन क्रिएट हो गया है, एक सिनेमैटिक फील आ गया है और ये लग रहा है जैसे किसी भी गिम्बल से शॉट लिया गया हो। ये देखिए, तो देखा आपने काइन मास्टर से हम कैसे अपने एक नॉर्मल वीडियो को सिनेमैटिक लुक दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी टाइप के कुछ वीडियोस शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद दोस्तों, अगर आपके पास महंगे DSLR कैमरे नहीं हैं और आपको वीडियो बनाने का शौक है तो आप अपने स्मार्टफोन से कैसे सिनेमैटिक वीडियो शूट करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो शूट करने के लिए हमारे घर के पास ही गणपति जी विराजे हुए हमारी कॉलोनी में, चलिए उन्हीं का सिनेमैटिक वीडियो बनाते हैं। Thank you.
लेकिन इसे हम बगैर कंप्यूटर की मदद से अपने मोबाइल पर ही किसी भी ऐप के जरिए काइन मास्टर, पावर प्रोड्यूसर या कोई भी ऐप की मदद से कैसे इसे एक सिनेमैटिक फील देंगे, सिनेमैटिक एडिट करेंगे, जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on.